तो चलिए वेज कोल्हापुरी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इधर पे मैंने गैस को ऑन कर दी हूँ और उसके ऊपर रखी हूँ एक कढ़ाई। कढ़ाई हमारी अच्छी तरह से गर्म हो चुकी है। इसमें डालेंगे 3 से 4 चम्मच तेल। तेल को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम डालेंगे फ्लावर 1 कप, इस तरह से कटिंग करके। मटर 1 कप, ऑरेंज बीन्स 1 कप, गाजर 1, एक मैंने मीडियम साइज की शिमला मिर्ची ली। हाँ, एक मैंने मीडियम साइज की शिमला मिर्ची ली हो। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 5 मिनट तक का इसे फ्राई कर लेंगे। 5 मिनट बाद हम इसमें 1 मीडियम साइज का बटाटा कटिंग करके डालेंगे। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे 2 मिनट तक का फ्राई कर लेंगे। यानी 5 मिनट और 2 मिनट, पूरा 7 मिनट। इसे एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। तो इधर पे मैंने तो इधर पे मैंने सारी भाजी निकाल चुकी हूँ। अभी उसके अंदर 1 चम्मच तेल बचा हुआ है तो मैं इसमें डालूँगी 1 मीडियम साइज की प्याज कटिंग की हुई, 2 मीडियम साइज के टमाटर, 6 से 7 काजू, 2 मिनट तक हम इसे अच्छी तरह से पका लेंगे। हमारे टमाटर जैसे ही सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम इसे निकाल देंगे और अच्छी तरह से इसे ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद हमें इसे पीस लेना है, एक अच्छा सा एक पेस्ट बना लेना है। कांदा, टमाटर और काजू मैंने अच्छी तरह से ठंडा करने के बाद मैं इसे पीस ली हूँ। ये देखिए, इस तरह का एक पेस्ट बनाना है। तो इसे साइड में रखेंगे, एक जार ले लेंगे, उसमें 10 से 12 लहसुन की कलियां डालेंगे, 1 टुकड़ा अदरक कटिंग करके डाल देंगे। देखिए मैं कितना सा ले रही हूँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही लेंगे ऐसे। ये मैंने बेर की मिर्ची ली हूँ, ये सूखी वाली बेर की मिर्ची है। मैंने इसे पानी में भिगो के रखी थी 1/2 घंटा। अब ये मिर्ची को हम इसमें डाल देंगे और इसका पानी हम थोड़ा सा इसमें डालेंगे पीसने के लिए, और इसे भी अच्छी तरह से हम पीस लेंगे। तो इधर पे हमने गैस को फिर से ऑन कर दिए हैं। एक मिनट तो ये देखिए, ये इसका पेस्ट एकदम अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। तो इसे भी हम अभी साइड में रख देंगे। इधर पे गैस को ऑन कर देंगे और फिर वही कढ़ाई रखेंगे, इसमें डालेंगे बटर। तो ये देखिए, मैं बटर थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में ले रही हूँ। बचे हुए बटर को हम फ्रिज में रख देंगे। बचा हुआ बटर फ्रिज में रखो। हाँ, गैस को ऑन करना था, भूल गई। तो गैस को हम
ऑन कर दिए हैं, बटर मेल्ट हो रहा है, धीरे धीरे बटर मेल्ट हो रहा है। इसमें हम डालेंगे कांदा, टमाटर और काजू का पेस्ट। मिक्स कर लेंगे। अभी इसमें डालेंगे जो दूसरा पेस्ट हमने बना के रखे थे वो वाला। ज़रूरत लगी तो आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे खंगाल के भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। गैस को स्लो रखना है। अभी मैं थोड़े से बर्तन में मसाले लगे हैं उसमें पानी डाल के, आधा कप पानी डाल के खंगाल के वो डाल दूँगी। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा। एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए, और ये मैंने आधे चम्मच से भी यानी एक चौथाई हींग डाल रही हूँ। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और धीमी आंच पे मसाले अच्छी तरह से भून लेंगे। मसाले भूनने के लिए कम से कम हमें 10 मिनट लग जाएगा, 15 मिनट बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, 10 मिनट में मसाले भून जाते हैं। तो मसाला अच्छी तरह से भून के हो चुका है। अभी हम हमारी सारी सब्जियां डाल देंगे इसमें। और साथ ही में मैं इसमें एक वाटी पनीर डाल रही हूँ। पनीर को आप जैसी मर्जी वैसे कटिंग कर सकते हैं। 4 सूखी लाल मिर्ची, इसे हम मिक्स कर लेंगे। मुझे इसमें लग रहा है कि थोड़ा सा पानी डालना है, तो मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी। मुझे मिक्स करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो इसमें मैंने इतना सा आधा गिलास भर पानी डाली, एकदम नहीं पूरा इतना। इसे मिक्स कर लीजिए अच्छे से। काफ़ी टेस्टी लग रहा है देखने में। तो अभी इसे मिक्स करके हम 2 मिनट तक का पका लेंगे। और इसमें और थोड़ा बहुत सामान हमें डालना है तो मैं बता देती हूँ। आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, अच्छा जोर से बोलने को बोल रहा है आसिफ। और इसमें जाएगी थोड़ी सी कस्तूरी मेथी यानी आधा चम्मच ही पकड़ो, इसे हाथों से क्रश करके डालिए आप। आधे नींबू का रस डालेंगे। और इसमें जाएगा थोड़ा सा हरा धनिया कटिंग करके डालेंगे। जो है जैसा है वैसा, जो सामान है जैसी चाकू है जैसे चम्मच है जो मेरे पास घर में है, मैं वही चीज़ों से बनाती हूँ, वैसा ही दिखाती हूँ जैसा मुझे आता है। आपकी चाकू अच्छी नहीं, आपके चम्मच अच्छे नहीं तो माफ़ करना, मेरे पास में उतने पैसे नहीं है क्या मैं सब नया नया खरीद सकूँ। जो घर में है मैं उसी में बनाती हूँ, बस शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ में। अब इसमें जाएगी अमूल फ्रेश क्रीम। तो ये देखिए ऐसे ही मैं डाल दे रही हूँ चम्मच। हाँ ये जैसे कि आप 2 से 3 चम्मच डाल सकते हैं। दो से तीन चम्मच डालिए, ज़्यादा भी डालिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मज़ा आ जाता है खाने में। और क्या है ना, अपने अंदर रख दे।
अभी इसे मिक्स कर लीजिए अच्छी तरह से और इसे 5 मिनट तक का पका लीजिए मीडियम गैस पे। उसके बाद में आप गैस को बंद कर दीजिए।